हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दस दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के पार्ट 54 में। इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय में। सो गाइज, आज का हमारा पहला सेंटेंस है, कहाँ से आ रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। Where are you coming from? तुम कहाँ से आ रहे हो? Where are you coming from? Second sentence is, उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे All worship the rising sun. All worship the rising sun. The rising sun means उगता हुआ सूरज। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। All worship the rising sun. Third sentence is, हर चीज की एक हद होती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। हर चीज की, हर बात की एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। फोर्थ सेंटेंस इज, वो बहुत बातूनी है, मतलब बहुत बोलती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज वेरी टॉकेटिव। शी इज वेरी टॉकेटिव। टॉकेटिव मीन्स बहुत बातें करने वाली। वो बहुत बोलती है, बहुत बातें करती है। शी इज़ वेरी टॉकेटिव। फिफ्थ सेंटेंस इज, तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव गॉटन ऑन माई नर्व्स। यू हैव गॉटन ऑन माई नर्व्स। तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है, दम कर रखा है। यू हैव गॉटन ऑन माई नर्व्स। सिक्स्थ सेंटेंस इज, मेरे लिए क्या लाए? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी। व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी। या फिर आप बोल सकते हो व्हाट डिड यू गेट फॉर मी। तुम मेरे लिए क्या लाए? व्हाट डिड यू गेट फॉर मी। सेवेंथ सेंटेंस इज, अभी कितने बजे हैं? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट। अभी कितने बजे हैं, कितना वक्त हुआ है? व्हाट टाइम इज इट। एट सेंटेंसेस, वो तुमसे ज़्यादा होशियार है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज स्मार्टर देन यू। ही इज स्मार्टर देन यू। वो तुमसे ज़्यादा होशियार है। ही इज स्मार्टर देन यू। नाइन्थ सेंटेंसेस, वो कोई आम लड़की नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। ऑर्डिनरी मीन्स आम। वो कोई आम लड़की नहीं है। शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज, सच हमेशा कड़वा होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। इनमें से अपना फेवरेट वाला मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए, अब हम मिलेंगे कल पार्ट 55 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।